क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठा था। मेरा बैग पैक कर दिया क्या? बैग तो पैक कर दूंगी, वैसे भी कौन सी जल्दी है, या आप अभी ड्यूटी जा रहे हो? क्यों, लंच नहीं बनाया क्या तूने अभी तक? तो मेरा बैग भी पैक नहीं करा। अरे मैंने बना दिया है सब कुछ, और मैं आपका लंच भी पैक कर दूंगी। वैसे भी आप कौन सा अभी जा रहे हो? अरे आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे कुछ काम है। क्यों, आज ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया जो आप जल्दी जा रहे हो? अरे क्यों, मैं कुछ काम नहीं हो सकता क्या मेरा कुछ ऑफिस में? तो मैं आपसे पूछ ही तो रही हूँ बस। अरे तू जा, मेरे लंच पैक करके ला दे, मेरा दिमाग मत खराब कर तू सुबह सुबह। हाँ मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ, मैंने आपसे पूछ लिया तो आपका दिमाग खराब हो गया। अरे जा भैया जा, तू मेरा लंच पैक करके ला देता। ठीक है ला रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, 24 घंटे लड़ने के लिए रहते हैं, कुछ पूछ लो तो गलत हो गया। अरे क्या हुआ, तेरा बैग पैक नहीं हो गया अभी तक? ला रही हूँ जी। पता नहीं कहाँ रह गई, लारी लारी कर जा रही है। आपका बैग ही पैक कर रही थी। इतनी देर लगती है क्या बैग पैक करने में? तो मैं क्या वहाँ कुछ और कर रही थी, आपके लिए लंच ही तो पैक किया है। जब मैंने तुझसे बोला था कि मैं लेट हो रहा हूँ, जब भी मुझे तू लेट पर लेट कर जा रही है। तो कौन सी आफत आ गई, बैग पैक कर तो दिया, तो जाओ फिर, अब लेट क्यों कर रहे हो? ठीक है जा रहा हूँ। सुनो हाँ। मुझे कुछ पैसे दे दो, सामान लेके आना है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब ऑफिस पे आऊंगा ना, जब दिलवा लाऊंगा। तुम्हारे तो हमेशा के यही बहाने होते कि पैसे नहीं है। तो एक बात बता, अभी तो 4 दिन तो हुए ना, अभी मैं तो सामान दिलवाया, इतनी जल्दी खत्म हो गया? तो और भी तो कुछ सामान होता है। हाँ चल ठीक है, बताओ। मेरी तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, बस अपनी गा के चल दिए। बताओ अभी सामान दिलवाओ, 4 दिन हुए नहीं है, फिर सामान दिलवाओ उनका। कुछ कहता नहीं है तो ज्यादा सर पर चढ़ रही है, खर्चे देख ही नहीं, खर्चे है या नहीं है, बस सामान दिलवा दो। सरिता, सरिता आ रही हूँ जी। एक गिलास पानी लिया ना। लो जी पानी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, और इतने जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अमित जी। अरे सरिता क्या बताऊं, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ, कैसे दिमाग खराब हो रहा है आपका, क्या बात हो गई? अरे यार मैं तो उससे कह रहा था ना सुबह कि मेरा जल्दी लंच पैक कर दे, मेरा जल्दी बैग पैक कर दे, पर तू मानी नहीं। आज मैं लेट पहुंच गया, बहुत सारी मरक मेरे पे उतार दी। ये बोलने लगे कि तू टाइम पे नहीं आता, टाइम पे काम नहीं करता, फिर मेरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, फिर मैं आ गया जल्दी। तो आप मेरे ऊपर बात क्यों टाल रहे हो, मैंने तो आपको लंच जल्दी पैक करके दे दिया था, आप तो खुद ही लेट हुए हो। अब तू जा, जाके चाय वाय बना ले, मेरे वैसे सिर में दर्द हो रहा तो और कर रही है बैठी बैठी यहाँ पे। बस मुझसे तो आपके सर में दर्द होता है। अब उठ भी जाओ, आप सो रहे हो, ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? अरे सो नहीं रहा, मैं तो वैसे लेटा हूँ। लंच पैक कर दिया मैंने आपका। अरे वाह, आज तो बिना कहे लंच पैक कर दिया। तो कल आप मुझ पे टाल रहे थे ना बात कि मेरी वजह से लेट हुए हो, इसलिए आज मैंने जल्दी लंच पैक कर दिया। अगर तू ऐसी जल्दी कर कर लाए मेरा लंच तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। चलो ठीक है, बाकी बात बाद में कर लेना, आप ऑफिस चले जाओ। क्या बनाया है? आलू गोभी की सब्जी बनाई और पराठे बना दिए आपके लिए। ठीक है, छाए रख दी बोतल में? रख दिया। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सरिता अगर मैं तुझे कुछ कह दूँ ना तो तू नाराज मत होएगा। मैं नाराज नहीं होती हूँ, आप गुस्से में बात ही ऐसी बोल जाते हो कि गुस्सा होना पड़ जाता है। अब एक बात बता,
तुझे तो पता मेरा कल कितना दिमाग खराब था। अगर मेरी बात का कोई बुरा लग गया हो तुझे कल, तो तू बुरा मत मानी मेरी बात का। अरे मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी, मैं तो बस ये चाहती हूँ आप मेरे साथ प्यार से रहो। चल कोई बात नहीं, अभी बता क्या लेगी तू, कल तू करी तो मुझे दिलवा लाना। लेना है क्या है, बस रसोई का सामान खत्म हो रहा था वो ही लाना है मुझे, मुझे क्या मंगाना होता, मेरे पास तो सब सामान है। अच्छा मैं तो सोच रहा कि तू अपना मेकअप वेकअप का सामान मंगा रही दिखे, खर्चे का कम बता रही दिखे, मुझे थोड़ी ना पता तू रसोई का सामान मंगा रही है। नहीं मुझे वो सामान तो नहीं लेना था। अच्छा ठीक है, अगर मेरा सामान खत्म हो गया होता तो आप दिलाते नहीं? क्यों नहीं दिलाता, दिलाता जरूर दिलाता। चल ठीक है मैं चलता हूँ, मैं शाम को आऊँगा ना सारा सामान ले आऊँगा, पर ये बता क्या क्या लाना है। जब आप सामान लोगे ना तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं फ़ोन पर सब बता दूँगी। चल ठीक है मैं फ़ोन कर लूँगा, तो फ़ोन पर बता दियो। ठीक है चल ठीक है मैं चल रहा हूँ ना। ठीक है। अरे मैंने सब रख दिया, चेक क्या कर रहे हो? अरे चेक तो कर लूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब ये क्या बात है, भैंस बार बार बीमार हो रही है, आप पहले भी देख कर गए थे एक हफ्ता पहले। भैया क्या है कि उसमें जो है एक बार से ट्रीटमेंट पूरा तो होता नहीं है, वो दो तीन दिन लगातार देखनी पड़ेगी, एक बेर में जो है बैक्टीरिया किल होता नहीं है। चलो आज देखो तो एक बार। हाँ देख लेंगे उसे, दो तीन दिन लगातार दवाई दिलवा उसे, जब जाके वो ठीक होएगी। चलो ठीक है देखो तो आज फिर। चलो अंकल नमस्ते। नमस्ते, अमित कहाँ जा रहा? मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, भैंस बीमार है, डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा। अच्छा ज़्यादा बीमार है क्या? हाँ चलो तो दिखा लो। अच्छा मैं ये कह रहा था, हाँ कभी अपनी माँ का भी पता लिया लेकर। माँ का? माँ को क्या हो गया? अरे अमित जब तू डेली ड्यूटी जाता है तो तेरा घर तो यही है, अपनी माँ से मिलता जाए घर, वो इतनी बीमार रहती है, तुझे पता होगा कितनी बीमार है, और तू एक बार भी नहीं जाता उसके पास। क्या बीमार है? तुझे ये नहीं पता तेरी माँ की तबीयत खराब है? अच्छे अंकल, अंकल मुझे नहीं पता था माँ की तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं मिलकर आऊँगा अपनी माँ से। अरे मिलकर आएगा तो तू अपनी माँ को अपने पास क्यों नहीं रखता, वो बिचारी अकेली रहती है वहाँ। अरे मैं सब समझ गया, तू अपनी बहू के कहने पर चल रहा है ना, जब तो माँ से अलग होकर गया। अंकल जी तुम ठीक कह रहे हो, मैं ना ऐसा करूँगा अपनी माँ को ना घर ले आऊँगा अपने। अमित मैं ठीक कह रहा हूँ, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता इस दुनिया में, और तेरी माँ का इस दुनिया में है ही कौन तेरे सिवा, तू बिल्कुल ध्यान नहीं रखता उनका, वो बेचारी अकेली तो रहती है, तू उसे अपने पास रख नहीं सकता क्या? अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं अभी जाऊंगा अपनी माँ के पास और उन्हें लेके आऊंगा अपने घर। चलो ठीक है अंकल मैं अभी जाता हूँ। ठीक है जाओ और ले आओ अपनी माँ को। ठीक है चलो डॉक्टर। क्या हो गया आज आपका मूड फिर खराब है, बॉस ने फिर कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं बॉस ने तो कुछ नहीं कही। तो फिर क्या हुआ? आज मैं माँ के पास गया था, माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कल मैं माँ को लेकर आऊँगा यहाँ पे। क्या माँ इस घर में नहीं आएंगी? अगर वो इस घर में आई ना तो फिर मैं नहीं रहूँगी, मेरे बस की नहीं है उनका काम करना। सरिता ये क्या कह रही तू, मैं माँ को घर पर लेकर आऊँगा, जो पहले मेरे से गलती हो गई तो हो गई। अच्छा तो अब आप इस घर में अपनी माँ को लेके आओगे, एक बात याद रखना अगर वो इस घर में आई ना तो फिर मैं नहीं रहूंगी, मुझे उनके साथ रहना होता तो मैं पहले ही रह लेती, मुझे पता है उनकी आदत का, मेरा जीना हराम रखती हैं वो। क्या वो तेरा जीना हराम रखती हैं? रखती हैं या रखती थी तू? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं उनका जीना हराम रखती थी? हाँ तू ही जीना हराम रखती थी, और एक बात सुन ले मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा तो लेकर आऊंगा बस। अच्छा अपनी माँ को लेके आएंगे, लाने दो अपनी माँ को, मैं भी उनका ऐसा जीना हराम करूंगी ना कि मेरे से परेशान होकर दो दिन में भागती फिरेंगी। अगर उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ कहा ना तो या तो इस घर में वो रहेंगी या फिर मैं रहूंगी, आ तो जाने दो जब बताऊंगी।
अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कुछ ना माँ, ये अपने घर जा रही है। पर क्यों जा रही है अपने घर? क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं रहना इस घर में। बेटा पर कुछ बात तो हुई होगी, बता तो सही क्या हुआ? माँ ये मेरे से रोज की रोज कलेश करती है। ये कहती है जब तक तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी ना, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। अच्छा बेटा तो ये बात है। हाँ माँ यही बात है, इस घर में मैं जब ही आऊंगी जब आप इस घर से चली जाओगी। चलो जी मुझे छोड़ के आओ। अरे कोई बात नहीं, रहने देना, क्यों जा रही है अपने घर, माँ ही तो है। अच्छा मुझे छोड़ के नहीं आना, रहो अपनी माँ के पास, मैं खुद चली जाऊंगी। छोड़ो मेरा बैग, मुझे जाने दो। अरे बेटा रोक ले बहू को, मत जाने दे उसे। माँ करवा दिया ना तुमने इस घर का नाश, तुम तो यही चाहती थी कि वो इस घर में ना रुके, अब वो जब आएगी इस घर में जब तुम जाओगी इस घर से। वाह बेटा वाह, क्या बेटा पाया है मैंने, मैंने करवा दिया घर का नाश। कभी अपनी माँ से तेने कुछ पूछा है? अरे मैं उब तक तो नहीं करती, मैं तुम दोनों की बात सुनती रहती हूँ चुप चुप, पूरे दिन घर का काम करती हूँ, और वो दूस दे के गई अपने मायके, उसमें भी मेरी गलती है। तुझे तो अपनी माँ की गलती नजर आओगी। माँ मुझे अब और कोई बात नहीं सुननी, अगर तुम मेरी भलाई चाहती हो ना तो तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। ठीक है बेटा, मैं ये तेरे बाप की बनाया घर छोड़ के चली जाऊंगी, पर तुम खुश रहना। चलो माँ चली तो गई, अब मैं उसे जाके ले आऊंगा, रह लेगी सरिता वरिता के यहाँ जाके। अब मैं उसे तो ले आऊंगा, माँ को भी ले आऊंगा बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चलो मम्मी। ठीक है बेटा। माँ तुम यहाँ बैठ जाओ, शायद वो कमरे में, मैं उसे बुला कर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक। अरे सरिता तुम यहाँ बैठी हो? माँ आ गई, चलो माँ से मिल लो। माँ आ गई? मैंने तुमसे मना किया था ना कि माँ घर में नहीं आनी चाहिए, तुम फिर भी माँ को लिया है। अरे क्या हो गया, लिया है तो अब जाके मिल लो। चलो मैं नहीं मिल रही माँ से, अगर वो इस घर में रहेंगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। एक तो उस बुढ़िया में इतनी बीमारी है, उसका काम करो, तुम्हारा काम करो, फिर इस घर का काम करो, किस किस का काम करूंगी मैं। अरे सरिता ऐसे तुम क्यों बोल रही हो? अरे माँ की थोड़ी तबीयत तो खराब है, कोई बीमारी थोड़ी ना उनमें। अच्छा तबीयत खराब बता रहे हो, इतनी बीमारी है उस बुढ़िया में, और तुम इसे घर हो लिया उठा के, हमारी भी बीमारी लगवाओगे? मैंने तुमसे मना किया था ना कि माँ को घर में मत लेके आना, तुम फिर भी लिया है। अरे चलो मैं लिया आया, जाओ जाके मिल तो लो। मैं नहीं मिल रही, जाके उस बुढ़िया को भगाओ यहाँ से। देखो सरिता मैं तो माँ को कुछ कह नहीं सकता, तुम चले जाओ, तुम ही बोल दो माँ को। हाँ तुम्हारे बस की नहीं है ना बोलना, अभी मैं जाके बोल रही हूँ, मैं उस बुढ़िया को ना एक मिनट इस घर में नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ, या तो वो रहेगी इस घर में या फिर मैं रहूंगी। अरे मम्मी जी आप, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैं, आपने मुझे बताया नहीं मेरी मम्मी आ रही है। अरे इसमें तेरी मम्मी और मेरी मम्मी में क्या फर्क है? अरे है तो हमारी माँ ही, और मैंने तुझे बता दिया था मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ। बेटा मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुन ली थी। अरे मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या, दो तू ये काम कर रही है? अरे वो इसकी माँ हो चाहे तेरी माँ, माँ तो माँ ही हो, ठीक बोल रहा है ये, लेकिन जो तेरे भाई ने किया वही तू कर रही है। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी बेटी। माँ भाई ने क्या करा ऐसा? क्या किया? उसने भी वही किया जो तू अभी कर रही है। बेटा
बहुत गलत कर रही है तू। अरे इसका मतलब इसकी माँ को भी तो घर से निकाल दिया है, और तेरे भाई ने वो किया है जो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे भी उसने घर से निकाल दिया। तेरी भाभी ने तेरे भाई से ये कहा है तेरी माँ को घर से निकाल दो, तभी मैं घर आऊँगी, ना तो ना आऊँ। तुम्हारे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने दामाद जी को फ़ोन किया, मैंने सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रहूँगी तो मेरा भी मनसा लगा रहेगा। मैंने तो यहाँ आके देखा तू तो दामाद पे ही भड़की पड़ी है। अरे तू जब इनकी माँ को माँ नहीं समझ रही, वो बीमार है, मैं भी तो बीमार हूँ, तो फिर तू मुझे क्या समझेगी। मैंने सोचा था कुछ दिन तुम्हारे पास रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी, लेकिन तू भी ऐसी निकली अपने भाई के जैसे। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुझे माफ़ कर दूँ? अरे मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? माफ़ करने वाला तो वो है, और यदि तुझे माफ़ी मांगनी है ना तो इनकी माँ से माफ़ी मांग। गलती तैने की है और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। आई बात समझ में तेरे? ठीक है अमित बेटा, मैं चलती हूँ। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी, आप हमारे साथ ही रहोगी। नहीं बेटा, मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी? अरे तू देवी जैसी सास की नहीं कदर कर रही तो तू मेरी क्या करेगी? ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी अब। अमित बेटा जब ये तेरी कदर नहीं कर रही, तेरी माँ की कदर नहीं कर रही, तो ऐसी औलाद से तो बेकार है, औलाद ही नहीं होती मेरे। मेरा बेटा नालायक, मेरी बेटी भी नालायक निकली। मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे आई थी कि तुम दोनों के साथ रहूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, पर मेरी बेटी। अमित जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप भी, मैंने जो भी किया बहुत ही गलत किया। मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मैं आपकी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी, और आज हम उन्हें घर लेके आएंगे। मुझसे जो भी गलती हुई मैं उन सबकी माफ़ी मांग लूँगी। ठीक है बेटा। माँ जब वो इतना कह रही है तो कर दो माँ, बस मैं तो इतना चाहता था ये सुधर जाए। माँ आज के बाद ना तुम इस घर में रहोगी मेरे साथ, मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा, तुम दोनों माँ मेरे साथ रहना। अमित जी आप ठीक कह रहे हो, हम माँ को लेने चलते हैं, अब हम सब साथ रहेंगे। हाँ ठीक कह रही है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो।